ये लोग अभी चाय पियो। बहुत टाइम लगा दिया तुमने, मैं सोच रही थी कब आओ। अरे तुमने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा, तुम हो कौन? अच्छा बाप हूँ तेरा, बाप को नहीं पहचानती? बाप? कैसा बाप, कौन सा बाप, कहाँ का बाप, आप कौन हो? मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा और आप मेरे को कह रहे हो कि आप मेरे बाप हो? आपका दिमाग खराब है क्या अंकल? जाओ यहाँ से। मैं तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, हर रोज तू यही कह के जाती ना कि तू पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज जा रही है, और क्या कर रही है, इस आवारा लड़के के साथ मटरगश्ती कर रही है, समझ नहीं आती तुझे? अरे कैसी बातें कर रहे हो, पागल वागल हो क्या? एक तो आपने आते ही मेरे को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद भी ना मैं आपको चुपचाप छोड़ रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना आपके लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसको आप किस तरीके से उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे बेशरम, इसके सामने तू मुझे नहीं पहचान रही, अपने बाप को नहीं पहचान रही? अरे दो दिन नहीं हुए इससे मिलते जुलते, ऐसी क्या आशिकी हो गई कि अपने बाप को भूल गई तू? तू घर चल, तुझे तो वहीं सीधा करूंगा मैं। कि कैसी बातें कर रहे हो अंकल, आप कहाँ से आए हो? राहुल मैं इनको नहीं जानती और ये मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो अंकल, जब वो कह रही है आपको नहीं जानती, क्यों जबरदस्ती उसका बाप बन रहे हो आप? चले जाओ यहाँ से। तू तो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल चुप कर। तूने ही मेरी बेटी को बिगाड़ा है, समझा? तेरी वजह से ही बिगड़ी है ये। अरे पढ़ने लिखने की उम्र में तू इसको घुमा रहा है, तेरे को छन नहीं आ रही? अरे हर माँ बाप की तरह हम भी यही सोचते थे कि अरे पढ़ लिख कर तू हमारा नाम रोशन करेगी, क्या पढ़ाई कर रही है तू इसके साथ है? अरे पढ़ने लिखने की उम्र में इसके साथ घूमते, सोच तो सही कि तू अपने कैरियर में बात कर रही है, अपने कैरियर पर ध्यान दे, इस पर नहीं। अंकल जब वो बोल रही है आपको नहीं जानती तो नहीं जानती ना। अरे अंकल क्यों जबरदस्ती उसको अपनी बेटी बता रहे हो आप? जाओ ना अपना काम करो। देख चुपचाप सुन, अपना मुंह बंद करके रख, अगर तू बाप बेटी के बीच में बोला ना तो तेरा हाल क्या करूंगा तुझे पता नहीं है? सीधे पुलिस में कंप्लेन करूंगा तेरी, मैं हाथ पैर तोड़वा दूंगा। और अब तू तो घर चल, वही तुझे सीधा करूंगा। कौन सा घर? घर तो आप मेरे को तब लेके जाओगे ना जब आपको मेरा रियल घर पता होगा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप आए कहाँ से हो, आपका मानसिक संतुलन ना मेरे को सही नहीं लग रहा, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे समझ में नहीं तेरे को बात, घर चल चुपचाप, चलना। अरे अरे, अरे राहुल मैं इनको नहीं जानता, अंकल कौन और कहाँ से आ गया ये? एक ही मौका मिला था इसको मारने का, पता नहीं कौन इसका बाप बन के आ गया, प्लान खराब कर दिया इसने तो। क्या बदतमीजी है, वो तो घर चल के बताऊंगा तुझे। बहुत हुआ आपका, मैं तब से सहन करी जा रही हूँ, कौन सा घर, कैसा घर, किसके बाप हो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, किसके घर ले जाना चाह रहे हो वैसे तुम? तुम्हें मेरा रियल घर पता है, बकवास पे बकवास करे जा रहे हो, हद हो गई। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं वाकई तुम्हारा पापा नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। वाह, जब मैं वहाँ पे चीख चीख के बोल रही थी कि तुम मेरे बाप नहीं हो सकते, तब तुमने वहाँ पे झूठ कैसे बोला, और राहुल के सामने तुमने इतनी ज्यादा बदतमीजी भी की, तुम्हें शर्म वरम है? बेटा मैंने जो कुछ किया ना तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। जान बचाने के लिए? मुझे किससे खतरा हो सकता है, कौन मेरे को मारना चाहेगा? अंकल कैसी बातें कर रहे हो? उसी से जिसके साथ तुम खड़ी थी, जो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। राहुल? राहुल क्यों मुझे मारना चाहेगा? आपने वहाँ पे भी कोई झूठी कहानी रची थी और यहाँ पे भी कोई नई झूठी कहानी रच रहे हो, मैं आप पे विश्वास क्यों करूँ? विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो क्या है ना कि अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगी तो जान से चली जाओगी। देखो चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, ये बताओ वो जो लड़का है उससे तुम्हें कोई 2 लाख रुपए वापस लेने हैं जो तुमने कभी उसे उधार दिए थे? 2 लाख रुपए? हाँ मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे, पर आपको कैसे पता? यही तो सोचो कि मुझे कैसे पता, चलो बता देता हूँ। बात यह है कि मैं पार्क के पास से गुजर रहा था। हेलो, अरे कहाँ है यार तू? अरे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 2 लाख रुपए लिए थे तेरे काम के लिए, कब लौटाएगा यार तू? क्यों, वो पैसे मांग रही है क्या? अबे यार वो तो पैसे मांगेगी ना, अब बता क्या कर सकते हैं, जल्दी बता। तो यार उसको समझा के देख लेना। अरे नहीं मान रही, वो कह रही है कि उसको कुछ जरूरत है। लेकिन अभी तो नहीं है भाई मेरे पास। अरे कहाँ से लाके दे फिर उसको 2 लाख रुपए? तो एक काम क्यों नहीं करता, उसको मार दे, ना ही तुझे पैसे देने पड़ेंगे और तेरा पीछा भी छूट जाएगा। क्या क्या उसको मार मार? अबे तू पागल हो गया है क्या? पागल नहीं भाई, सही बता रहा हूँ। तू बेकार की बातें कर रहा है, तू फोन काट। 2 लाख रुपए तो अरेंज हो नहीं पाएंगे, विनीत भी सही कह रहा है। चाय में जहर मिला देता हूँ, चाय पिएगी और मर जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, सबका शक जाएगा उस चाय वाले पे। जान को खतरा है, उसका कोई
उसका कोई प्रेमी है जो उसकी जान लेना चाहता है, मुझे इसकी जान बचानी होगी। तो बेटा जब मैंने सुना कि वो लड़का तुम्हारी जान लेना चाहता है तो मैंने उसका पीछा किया, और जब मैंने देखा कि वो तुम्हें चाय पिला रहा है तो मैं समझ चुका था कि उसने चाय में जहर मिलाया हुआ है जिससे तुम्हारी जान चली जाएगी और उसे तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं लौटाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कप को फेंका और तुम्हें थप्पड़ मार के नाटक किया। बाकी रही बात विश्वास करने या ना करने की, तो जो सच था मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो उसके पास चली जाओ, हाँ अपने रिस्क पर, क्योंकि जान तुम्हारी है। मैं तो जो कर सकता था मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। बेटा मैंने अपनी नजरों में एक मासूम लड़की की जान बचाई है, इसीलिए मैं गलत नहीं हूँ। बाकी अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो माफ कर दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अंकल ने आज मेरी जान बचा ली, अगर अंकल सही टाइम पे नहीं आते मैं वो चाय पी लेती।